आदिल जी आठ राज्यों में, एक सेकंड बताओ कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। अच्छा एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, अब ये चर्चाएं हो रही हैं आदिल जी कि ऐसा तो नहीं कि कल जो कुछ हुआ राज्यसभा में, जैसे हार हुई इंडिया गठबंधन की और एनडीए की जीत हो गई, ऐसा तो नहीं कि अब इंडिया गठबंधन में जितनी जोर शोर से केजरीवाल जा रहे थे वो कदम थोड़े से पीछे हो जाएंगे और राहुल गांधी की एंट्री के बाद कुछ बदल जाएगा? देखिए प्राची जी, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो कल देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उसमें कुछ नया नहीं है। पहली चीज तो ये है, सवाल ले लीजिए। देखिए ये इंडिया की हार नहीं है, इंडिया कभी हारता नहीं है, पहली चीज तो ये है। हाँ जाहिर तौर पर कल इस देश के जनतंत्र का, लोकतंत्र का, संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का गला जरूर घोटा गया है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा और पूरी भारतीय जनता पार्टी और जो न्यू डीलर ऑफ अडानी है उनके लोगों द्वारा मिलकर घोटा गया है, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आज ये दोनों लोग, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के कोई भी साथी हों, अगर ये मुद्दों से भटकाने की बात करेंगे तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप मुद्दों से नहीं भटका सकते। तू बता, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफला लुटा क्यों। इस देश के अंदर टमाटर 200 रुपए किलो बेचा जा रहा है, इस देश के अंदर 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल का वादा करके मोदी जी आए थे, 100 रुपए से ज्यादा कर दिया। आपने 350 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, 1300 रुपए में बेच रहे हो। हमारे और आपके बच्चों के दूध के बोतल पर टैक्स लगाकर अडानी के 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हो और यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए साफ तौर पर मोदी जी बच नहीं सकते। देखिए अविश्वास प्रस्ताव एक लीगल पॉलिटिकल लीगल पार्लियामेंट्री हथियार होता है जिससे प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा जवाब देने। जब थक गए, हार गए, लगातार मांग करते रहे, आप सवालों को नहीं सुनते हैं, अपना जो सोच क्या है वो बोलने लगते हैं। आपने मेरे सवाल को ये कह के टाल दिया कि जो गृह मंत्री ने कहा वही आप कह रहे हैं। अरे सवाल तो सवाल है ना, आप इस सवाल का जवाब तो देंगे। रही बात मुद्दों की, मुद्दों का जवाब शहजाद जी देंगे, एक सेकंड, शहजाद जी भी देंगे और अजय जी भी देंगे। इन मुद्दों पर मैं जवाब लगातार ले रही हूँ, लेकिन आप इस बात का तो जवाब मुझे देंगे ना कि अब आगे क्या कैसे चलेगी इंडिया गठबंधन। तौर पर इंडिया शानदार तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा भाई, पूरा इंडिया। नेता भी आपको बता देंगे, चिंता मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि तानाशाही चलेगी, ये जनतंत्र से, लोकतंत्र से चलता है। चुनाव जीत के आएंगे, चुनाव जीत के आएंगे, सांसद जिसको तय करेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़े है कि यहाँ तानाशाही है कि मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, मोदी। अरे पूरी पार्टी पढ़े लिखे, पूरा इंडिया पढ़े लिखे लोगों का एक दल है। अच्छा एक बात तो बता दीजिए, एक बात तो बता दीजिए, इसी बिल पर जो अध्यादेश के बाद फिर बिल आया, दिल्ली सर्विस बिल, इसी पर आपको साथ नहीं मिला कांग्रेस के एक नेता का, संदीप दीक्षित, तो सवाल खड़े कर रहे थे, सवाल पूछा आपने अजय जी से कि नहीं पूछा? देखिए संदीप दीक्षित इस सदन के मेंबर नहीं है। रही बात जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरीके से इस बिल के विरोध में थे, इस बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सारे लोग खड़े होकर बेला बोला, पूरा देश ने देखा, यह उनका इंटरनल मामला है, नहीं है तो मानेंगे नहीं। मैं छोटा जवाब है, क्या नहीं बोले कांग्रेस पार्टी? संदीप दीक्षित अगर सदन के नेता नहीं है तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखिए संदीप जी का अपना एक राज्य की राजनीति में उनका एक स्पेस है, और ये भी सच है कि जो हमारी पार्टियां हैं, कई पार्टियों के अंदर कार्यकर्ताओं में भी कई जगह भी है जो धीरे धीरे एडजस्टमेंट की बात है। वैचारिक तौर पे बहुत समय तक हम दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, तो ये सच है। लेकिन लेकिन वैचारिक आधार जो है, सुनिए ना, काहे को इतना पेट में दर्द हो रहा है आपको? हम लोग मिल रहे थे आपको, दर्द क्यों? चाचा भतीजा पे दर्द नहीं है? घरों में आग लगाई गई, तारीफ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विचार पर दर्द है, मत रहिए। हमारा मानना है अजय जी, बस 10 सेकंड इनकी प्राची जी का मैं सुन लूं। प्राची जी ये सच है कि दिल्ली के बिल को लेकर के जो बातें थी, जो परिस्थितियां थी, एक लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग चाहते थे कि दिल्ली के पूर्ण राज्य का मांग जो है मदनलाल खुराना जी लगातार करते थे जब हमारी सरकार थी, भाई साहब की पार्टी थी, और आज जब वो सरकार इनकी है 10 साल में, तो इन्होंने दिल्ली को राज्य का पूर्ण तो छोड़िए, राज्य की हैसियत ही खत्म करने में चुक गए हैं। हमारा कंसर्न है कि दिल्ली की जनता, बेशक हम दिल्ली में वाकई जीते नहीं है, 2 बार से हम हार रहे हैं, ये भी 2 बार से हार रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।